नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज गोड़ा जिला के सुंदर पहाड़ी स्थित फुटबॉल मैदान में लोक संवाद कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण किया जा चुका है। इस संदर्भ में संवाद के क्रम में जब एक महिला ने बताया कि कच्चा घर से पक्का मकान मिल जाने से बहुत खुशी हो रही है, अब मौसम की मार उन्हें नहीं झेलनी पड़ती। राज्यपाल मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक बेघर का अपना घर हो। सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ उन्हें पेयजल भी उपलब्ध हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक घर में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। आवास एवं पेयजल पूर्ति के साथ साथ निर्बाध बिजली, अच्छी सड़क, समुन्नत स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। लोक संवाद कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की एक दीदी ने बताया कि समूह से जुड़ने से पहले उसके घर की माली हालत दयनीय थी। समूह से जुड़ने के पश्चात उन्होंने ऋण लेकर बकरी पालन किया एवं दुकान किराने की खोली। 15,000-20,000 प्रतिमा कमा रही है और अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा रही है। एक अन्य दीदी ने बताया कि समूह से जुड़ने के पश्चात जीवन में आया बदलाव को बताया। राज्यपाल महोदय ने गोड़ा जिले में 1,00,000 से अधिक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और उनके परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर सशक्त बनने एवं स्वावलंबी बने। लोक संवाद कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, कि छात्रा ने बताया कि इस विद्यालय में काफी संख्या में गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। उसका सपना है कि भविष्य में वह शिक्षक बनकर छोटी छोटी बच्चियों को शिक्षा प्रदान करे। राज्यपाल मोदी ने कहा कि बच्चियों का उत्साह उन्हें अभिभूत कर रहा है, निश्चित रूप से ये बालिकाएं जीवन में सफल होगी। उन्होंने कहा कि विगत दिनों 21 जिलों में 7,000 किलोमीटर से अधिक का दौरा कर झारखंड के ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया है एवं सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति एवं लोगों के समस्याओं से भी अवगत हुए हैं। लोगों की समस्याओं का निराकरण संबंधित स्तर से किया जाएगा। उक्त अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया।